हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा श्रीवास्तव सिंपल रेसिपीज में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी ओरियो मिल्कशेक विद आइसक्रीम और कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी। दोनों रेसिपी बहुत ही सिंपल हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप मेरा वीडियो आखिरी तक देखें ताकि जब आप इस रेसिपी को ट्राई करें तब कोई भी मिस्टेक ना करें। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ओरियो मिल्कशेक विद आइसक्रीम बनाने के लिए हमने लिया है एक जार। जार में हम डाल देंगे 4 ओरियो बिस्किट्स। बिस्किट्स को हम थोड़ा तोड़कर डाल देते हैं। तो बिस्किट डालने के बाद हम डालेंगे 2 टेबलस्पून वनीला आइसक्रीम। उसके बाद हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून शक्कर। आप चाहें तो शक्कर को एडजस्ट कर लें जितना आप मीठा पसंद करते हो, क्योंकि आइसक्रीम में भी शक्कर है और बिस्किट्स में भी। उसके बाद हम ऐड करेंगे आइस क्यूब्स या फिर क्रश की हुई आइस। मैं यहाँ पर क्रश की हुई आइस यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो आइस क्यूब यूज करें। अब मैं इसमें डालूंगी ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर। तो 1 टेबलस्पून पाउडर डालूंगी मैं। उसके बाद हम ऐड करेंगे 1.5 कप मिल्क, फुल फैट क्रीम मिल्क है। इसके बाद हम जार का ढक्कन लगाकर इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए बिस्किट के पिसने तक हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इस ओरियो शेक को ग्लास में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ओरियो मिल्क शेक बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको गार्निश कर लेते हैं। तो एक बिस्किट के हम टुकड़े करके ऊपर से गार्निशिंग कर देंगे। इन गर्मियों में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये मिल्क शेक बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। बच्चों के साथ साथ ही मिल्क शेक बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी में। कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए हमने ली है 1 टीस्पून कॉफ़ी। नेस्कैफे ली है मैंने। इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून गुनगुना पानी। 1-2 मिनट तक हम कॉफ़ी को फेंट लेंगे। तो कॉफ़ी को हमने 2 मिनट तक फेंट लिया है। अब हम लेंगे एक ब्लेंडिंग जार, उसमें हम डालेंगे 2 कप दूध। फिर हम डाल देंगे इसमें फेंटी हुई कॉफ़ी। कॉफ़ी फेंट कर डालने से बहुत अच्छा झाग आता है कॉफ़ी में। और मैं डाल दूंगी इसमें शक्कर। तो मैं यहाँ पर 3 से 4 चम्मच के आसपास शक्कर डाल रही हूँ। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें शक्कर को। फिर हम डालेंगे कोको पाउडर। मैं 1 टेबलस्पून कोको पाउडर डाल रही हूँ। आप कोको पाउडर का यूज़ कितना भी करें, लेकिन कॉफ़ी आप 1 टीस्पून ही डालें, क्योंकि कॉफ़ी बहुत जल्दी कड़वी हो जाती है। फिर अब हम डालेंगे क्रश की हुई आइस या फिर आइस क्यूब्स। बस ढक्कन बंद करके इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो कॉफ़ी को हमने ब्लेंड कर लिया है। अब हम कॉफ़ी को एक ग्लास में सर्व कर लेंगे। तो ये मैंने ग्लास में कॉफ़ी को डाल दिया है। जो इसमें झाग आ गया है वो भी मैंने डाल दिया है। तो हमारी कोल्ड कॉफ़ी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर ऊपर से गार्निशिंग के लिए। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया कोल्ड कॉफ़ी बनकर तैयार है। इन गर्मियों में आप इसको भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत पसंद आएगी सभी को। तो ये देखिए कोल्ड कॉफ़ी और ओरियो मिल्कशेक बनकर तैयार हो गए हैं। दोनों ही बहुत ही टेस्टी बने हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ।